हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो गाइज, मैं आज बहुत दिनों के बाद वीडियो अपलोड कर रही हूँ अपने चैनल पे। तो गाइज, मुझे कुछ इम्पॉर्टेंट अपडेट देना है। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि यूनिवर्सिटी वाले को भी पता चल सके और एजुकेशन डिपार्टमेंट वाले को भी पता चल सके कि यहाँ पे कॉलेज वाले कितने लूटपाट कर रहे हैं। तो गाइज, मैं बात कर रही हूँ बीएड एडमिशन के रिगार्डिंग, क्योंकि मेरा फोर्थ मेरिट लिस्ट में नाम आया था तो मैंने थर्ड ऑप्शन पे आरपीएस कॉलेज का ही नाम दिया था और मुझे थर्ड ऑप्शन ही अलॉट हुआ है गाइज। तो गाइज, मैं आरपीएस कॉलेज दानापुर में जो है आरपीएस मोड़ के पास, उसकी बात कर रही हूँ, ना कि मुजफ्फरपुर वाले आरपीएस कॉलेज के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि आरपीएस कॉलेज मुजफ्फरपुर के बारे में, तो कहीं मैं बात नहीं कर रही हूँ। लेकिन गाइज, ऐसा नहीं है, मैं आरपीएस कॉलेज दानापुर पटना के बारे में बात कर रही हूँ। तो गाइज, मुझे इस कॉलेज के बारे में पता था कि फ़ी थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, मुझे ये नहीं पता था इतना ज़्यादा फ़ी लगता है। तो गाइज, मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ कि मेरे साथ क्या क्या हुआ। तो गाइज, मैं 10 को मेरिट लिस्ट आया तो मैं 11 को कॉलेज गई, तो कॉलेज में बोला गया कि आप डॉक्यूमेंट लेके आइए, तभी मैं आपको फ़ी बताऊंगा। फिर नेक्स्ट डे मैं कॉलेज गई तो वहाँ पे मुझे क्या हुआ, बैठने के लिए बोला गया, मैं बैठी। 15-20 मिनट इंतज़ार करने के बाद मुझे बुलाया गया। तो मैं जब गई तो सबसे पहले मेरा फ़ोन ही ले लिया गया, मुझे बोला गया फ़ोन आप बाहर रखिए। फिर वहाँ जो गार्ड थे वो मेरा फ़ोन ले लिए, और उसके बाद गाइज एक रूम में बुलाया गया अकेले, वहाँ पे कोई नहीं था। वो सर आए और मेरा डॉक्यूमेंट चेक किए, और उसके फ़ी मैंने पूछा कि सर फ़ी कितना लगेगा एडमिशन के टाइम, तो बोलते हैं टोटल फ़ी आपको 2,40,000 लगेगा। मैं बोली सर इतना फ़ी तो नहीं, अदर कॉलेज में तो 1.5 लाख समथिंग फ़ी लगता है, वो भी 2 ईयर्स में देना होता है। तो बोलते नहीं, हमारे कॉलेज का फ़ी इतना ही है। तो गाइज हमने बोला कि सर इंस्टॉलमेंट में फ़ी लेंगे, तो बोलते हैं कि नहीं नहीं इंस्टॉलमेंट में फ़ी नहीं लेंगे, हमें एडमिशन के टाइम 2,10,000 देना होगा। तो गाइज इतना सब हुआ। और मोबाइल मेरा क्यों लिया गया, मैं आप लोगों को बताती हूँ। इसलिए मोबाइल ले लिया गया कि जो वो बोलेंगे तो मैं उनका रिकॉर्ड नहीं कर सकूँ, इसलिए वो मुझे मेरा फ़ोन ले लिए। और मुझे गाइज बहुत ज़्यादा ही डर लग रहा था क्योंकि मैं अकेले गई थी, और जो भी स्टूडेंट पूछने आ रहे थे सबके साथ यही हो रहा था, सबको अकेले उस कमरे में ले जाया जा रहा था, और सबसे पर्सनली शायद मे भी हो सकता है सबको फ़ी अलग अलग बताया गया हो। मुझे 2,40,000 फ़ी बताया गया। तो गाइज मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग प्लीज़ सोच समझ के, और जिस कॉलेज में आपकी कोई जान पहचान के लोग पढ़ते हो तो प्लीज़ गाइज आप उसी कॉलेज का नाम दे, अदर उलूल जुलूल कॉलेज का नाम ना ही दे, कितना भी भले ही नाम उस कॉलेज का हो चाहे जो भी हो, आप लोग नाम ना दे। अगर आपके कोई जान पहचान के उस कॉलेज में पढ़ते हैं तभी आप लोग नाम दे। गाइज मेरा तो 1 ईयर बर्बाद हो जाएगा, और ऐसे ही बहुत सारे स्टूडेंट हैं उन सभी का 1 ईयर बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि गाइज बहुत सारे स्टूडेंट पैसे के कारण एडमिशन नहीं लिए। एक और कॉलेज का मैं नाम सुनी थी जो कि राजा बाजार के आसपास में वो कॉलेज है, तो गाइज उस कॉलेज का भी फ़ी शायद 2.5-3 लाख रुपया मांगा जा रहा है। और बहुत सारे ऐसे ऐसे कॉलेज का है जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे इस बार बीएड में एडमिशन नहीं ले रहे हैं, और वो लोग स्पॉट का वेट कर रहे हैं। लेकिन स्पॉट में भी ये लोग बहुत धांधली करेंगे गाइज। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग या तो आंदोलन कीजिए सभी मिलके, तभी कुछ हो सकता है, नहीं तो ये लोग भ्रष्ट आदमी करप्शन इतना ज़्यादा कर रहे हैं कि बता नहीं सकती हूँ। और गाइज मैं इसके रिगार्डिंग यूनिवर्सिटी में भी कंप्लेंट की, तो वहाँ बोलते हैं कॉलेज वाले से कहिए, ये इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो गाइज कॉलेज वाले क्या करेंगे, कॉलेज वाले तो खुद उसमें मिले हुए हैं, तो कॉलेज वाले क्या करेंगे, उन्हीं का स्टाफ है ना जो इतना इतना पैसा मांग रहा है, तो कॉलेज वाले इसमें क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो गाइज आप लोग समझ ही गए होंगे। तो गाइज जितना ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए जिससे कि सभी बच्चे को इसके बारे में अवेयरनेस हो, सभी बच्चे जाने उसके बाद ऐसे ऐसे कॉलेजों को चॉइस में डाले ही नहीं। तो गाइज चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल पहली बार तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।